बस्ती के महाराजगंज बाजार में उस वक्त धड़कम मच गया जब आयुष गारमेंट कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक अजय सिंह ने पीड़ित व्यापारी को ढांढस बंधाया, साथ ही ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने का काम भी किया। लगा है और लगभग इनकी करोड़ों रुपए की दुकान में नुकसान हुआ है। ये 500 साल पुरानी दुकान है और बाजार की सबसे बड़ी दुकान थी। कोई जानमाल का जानमाल का नुकसान नहीं है, सब ऊपर ऊपर ही लोग दूसरे के घर से कूदते हुए निकल गए। किस चीज की दुकान कर रहे थे? बहुत पुराने दो तीन सेल के पास कपड़े दुकान थी, उसमें संभवता पूरा तो कुछ बचे नहीं है। इनके तीन मंजिला मकान में करो कुछ है ये नहीं है, जो लोग शरीर पे कपड़ा पहने बस वही है और कुछ किसी को बचे नहीं। पूरा तीनों मंजिला का सामान चल गया, जितना कपड़े ऊपर से नीचे लेकर के सारे कपड़े भरे हुए थे, सब नुकसान, सब जल के खा। सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? डेढ़ घंटा बाद आया फायर ब्रिगेड, तो बहुत निकम्मा निकल चुका है। इलाके के कपड़ा व्यवसायी विजय कसौधन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। दुकान की दूसरे मंजिल पर उनका परिवार भी रहता है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया और दुकान धू धू कर जलने लगी। दूसरे मंजिल पर मौजूद परिवार के लोग किसी तरह अंदर से निकल पाए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।